इनेलो की आपसी फूट पर राज्य मंत्री नायब सैनी चुटकी लेते हुए बोले, इनेलो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। उन्होंने इस सब का जिम्मेदार इनेलो की गलत नीतियों को ठहराया, जिसकी वजह से पिछले 15 सालों से इनेलो सत्ता से बाहर है। इसके साथ ही इनेलो के शासनकाल पर टिप्पणी करते हुए नायब सैनी ने कहा कि इनेलो के शासनकाल में हरियाणा की जनता भ्रष्टाचार से परेशान थी और लोग इनेलो के डर के साए में जी रहे थे पहले ही, क्योंकि जब इस प्रकार से 15 सालों से लगातार इनेलो बाहर है और उसकी गलत नीतियों के कारण बाहर है। जैसा मैंने कहा है कि जो उसका शासन रहा है, उसका शासन इस प्रकार का था कि लोग भय के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते थे, और जो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में होता था, उससे भी लोग तंग थे, आहत थे, और लोग नहीं चाहते कि इनेलो किसी प्रकार से वो हरियाणा के अंदर आए, क्योंकि इनेलो को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और अब जब कोई व्यक्ति भूखा हो जाता है तो इस प्रकार की लड़ाइयाँ वो स्वाभाविक ही हैं, परिवार के अंदर हो जाती हैं, परंतु उनका अपना पसंद मामला है। इतना सब कहने के बावजूद मंत्री नायब सैनी इसे इनेलो का पारिवारिक मामला भी बता गए।